हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉपुलर यूट्यूबर के बारे में, और इनकी जर्नी को भी हम देखेंगे। और इनके यूट्यूब चैनल से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इंडिया में या तो दुनिया के अलग अलग देशों में जो है ट्रैवल किया जा सकता है। अलग अलग मेकअप के ट्यूटोरियल्स जो है, फिटनेस के जो रिलेटेड ट्यूटोरियल्स है उसको भी आप सीख सकते हैं। किस तरीके से स्पॉन्सरशिप पाई जा सकती है और बहुत और मतलब चीज़ें जो है यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं स्वाति हरिहरन के बारे में। तो ये एक्चुअल में जो है लॉ स्टूडेंट है और आर्मी रिलेटेड, मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरीके के वीडियोज़ बनाती है, मेकअप के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स जो है, या तो फिर फैशन के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स जो है, फिर यूट्यूब से अर्निंग कैसे हो सकती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे ट्रैवल व्लॉग बनाती है। अभी यहाँ पे इन्होंने जो है फूजी फिल्म X7 जो है वो भी आई थिंक परचेज किया है। उसके अलावा यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी वो करती है। ये जो इस तरीके के वीडियो होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा ऑफिस टूर के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। फिर ये आप देख सकते हैं उनके जो है अलग अलग मॉडलिंग के रिलेटेड जो है वीडियोज़ है, सोशल इश्यू के बारे में यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, कैंपिंग कैसे करना है, फिर अलग अलग टाइप के शूट्स भी कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है उन्होंने बात की है। और अभी जो है इनके 100K सब्सक्राइबर वैसे पूरे नहीं हुए, बट मुझे लगता है कि जल्दी ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली उसकी उनकी जो है दो चैनल है, एक तो ये टाइप की मिक्स चैनल है सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इनके वीडियोस देखें तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, एक तो यूट्यूब से इसकी इनकी अर्निंग है, उसके अलावा जो है एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग है, स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड अर्निंग्स है, और इस टाइप की जो है अर्निंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके बाद उनका एक और चैनल है एस वंडरलस्ट, एस मतलब स्वाति और वंडरलस्ट करके। यहाँ पे जो है आई थिंक मे बी ये जो है उन्होंने मैरिज करने के बाद स्पेशली ये चैनल को बनाया होगा। इसमें जो है आपको ज़्यादातर ट्रैवल वीडियोस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये 2018 में स्टार्ट हुआ है और 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मे बी इन्होंने इस पे भी मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, और अभी यहाँ पे ये दोनों चैनल को जो है इंटरलिंक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरी दूसरी चैनल भी है, वो भी इन्होंने अभी बताया नहीं है। और यहाँ पे भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, 1 मंथ पहले ही 1000 सब्सक्राइबर उनके हुए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्लेलिस्ट अगर देखें तो कहाँ कहाँ पे घूमे हैं, तो कि वियतनाम, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडिया, यूरोप, श्रीलंका, मनाली, राजस्थान, यहाँ पे ये घूमी हैं। और चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और यहाँ पे एकदम प्रोफेशनल वे से जो है थंबनेल बनाया है। वीडियो टाइटल्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो भी अच्छी तरीके से रिसर्च करके उन्होंने ढूंढे हैं। यहाँ पे ट्रैवल वीडियो जो है उस पर 19K है सबसे पॉपुलर वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक जो है थंबनेल यहाँ पे बनाए हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। और लोगों को एक बार इच्छा हो जाती है कि चलिए इसके अंदर क्या है एक बार देखते हैं। और वीडियो लेंथ जो है वो भी परफेक्ट है, ना ही बहुत लंबा ना ही बहुत छोटा, और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनकी ये वाली चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चलिए उनके पहले हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करके ही देखेंगे कि अभी न्यू वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल थंबनेल है यहाँ पे, और टॉपिक्स जो है वीडियो के बहुत ही यूनिक है। बट अब हम पहले ओल्ड वीडियोज़ में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल, 4 साल पहले बहुत सिंपल सिंपल वीडियोज़, सिंपल थंबनेल्स, मे बी मोबाइल से ही शूट किए हुए सभी ये वीडियोज़ है। तो धीरे 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 उन्होंने आगे जाके जो है सीखा है, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया है। और फिर जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि थंबनेल में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया है, बहुत सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप इनसे बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो है, स्पेशली फॉर वुमन जो है, उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है इनके वीडियोस से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। आप उनको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो चैनल है इसमें भी आपको ट्रैवल वीडियोस जो है मिल जाते हैं, बट आई थिंक मे बी ये सभी जो है उनके मैरिज से पहले के वीडियोस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी
वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स पे उन्होंने बताया है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और आई थिंक वेडिंग का जो वीडियो था वो कहाँ गया, ओके तो 1 साल पहले ही जो है यहाँ पे उनकी जो है शादी हो गई है, और आई थिंक उसके बाद ही वो बेंगलोर पे शिफ्ट हो गई है। तो मे बी उसके बाद ही उन्होंने जो है ये डिसाइड किया होगा कि ये वाली चैनल जो है अलग से बनाते हैं ट्रैवल वीडियोस की, अदरवाइज ये चैनल पे ही ऑलरेडी मतलब पहले के जो ट्रैवल वीडियोस थे वो ये चैनल पे ही थे। चलिए अब उनके जो है पॉपुलर वीडियो देख लेते हैं कि कितने वीडियोस जो है उस पर 1 मिलियन व्यूज़ है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, उनके एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ जो है आ गए हैं, 3 साल पहले बनाया था। बाकी के वीडियोस जो है प्रोफेशनल थंबनेल वाले उस पर भी जो है फटाफट व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी भी पॉपुलर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं तो जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पे सभी लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि ये यूट्यूबर कौन से गैजेट्स को यूज़ करता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक तो आपको पता चल ही गया फूजी का यहाँ पे कैमरा है, वो ये यहाँ पे था फूजी मॉडल कौन सा था मुझे भी देखना पड़ेगा, फूजी XA7 शायद उन्होंने लिया है। उसके अलावा उनके पास जो है कैनन EOS 700D है, फिर इस टाइप का ये ट्राईपोड है, उसके बाद गोप्रो है उसके पास, फिर मैक यूज़ करते हैं तो फाइनल कट प्रो से एडिटिंग होता है उनका, और यहाँ पे जो है गिम्बल है उनके पास, इतनी चीज़ें हैं। बाकी उनकी जो है यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल भी है, उन्होंने ही यहाँ पे लिंक दी है सभी सोशल मीडिया की, वहाँ से ही मैंने ये लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बेंगलोर में रहते हैं और वीडियोज़ उनके प्रोफाइल पर भी यहाँ पर पोस्ट करती रहती है, और इनसे जो है इनकी शादी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इनके इस तरीके के बाल थे, अभी जो है थोड़े से बाल कम हो गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो काम करती है, बाकी आर्मी स्कूल में पढ़ी है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में पढ़ी है, और बहुत सारे इंडिया के कंट्रीज़ में जो है उन्होंने ट्रैवल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केरला में मे बी बोर्न हुई है, यहाँ पे होम टाउन है उनका, और बेंगलोर में भी रह रही है। सेम तरीके से आप देखें तो इनके हस्बैंड है ये भी यहाँ पे काम करते हैं, और ये भी पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, तो मे बी ये अपने कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में कहीं पे मिले होंगे। बाकी इनका ये फेसबुक पेज है, अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। और इनका जो है इंस्टाग्राम, उसमें तो 19K फॉलोअर्स है, मतलब बहुत ही पॉपुलर है, और काफ़ी अच्छी जो है इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ यहाँ पर उन्होंने ली है जो कि लोगों को जो है बहुत ही पसंद आती है। अभी ट्विटर पर इतना पॉपुलरिटी नहीं है। अभी यहाँ पर उन्होंने जो है ब्लॉग स्पॉट पर फ्री एक ब्लॉग बना के रखा है, क्योंकि एक अच्छी बात है। अब मे बी फ्यूचर में वो अपनी जो है वेबसाइट भी बना ले, उसके अलावा कोरा पे भी जो है अपने वीडियोस को प्रमोट करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं लॉ रिलेटेड स्टडीज़ के बारे में। इंटरेस्ट पे उन्होंने जो है काफ़ी यहाँ पे जो है अपलोडिंग करी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। पिंटरेस्ट से बहुत ही ट्राफिक मिलता है अपने वीडियोज़ पर। उसके अलावा ये जो है टिकटॉक पे भी काफ़ी पॉपुलर है, उनको आप टिकटॉक पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रिप एडवाइज़र पे भी सभी कंट्रीब्यूशन करती है, इससे भी जो है यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया चैनल्स जो है वहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जो है फ़ोटोज़ और इंफॉर्मेशन है अलग अलग लोकेशन के, और साथ ही साथ जो है ट्रिपोटो करके जो आप वेबसाइट आती है वहाँ पे भी ये अपने वीडियोस पोस्ट करती है जिससे कि ट्रैफिक मिले। तो आप भी अगर इस टाइप का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ट्रैवल रिलेटेड, तो ये सभी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा चलिए अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उनकी जो है अप्रोक्सीमेट अर्निंग कैसी है, ग्रोथ कैसा है। तो यहाँ पर जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये अभी एग्जैक्टली मेरी उनसे बात हुई हो और उन्होंने मुझे एग्जैक्ट फिगर बताया हो, ऐसा नहीं है। एक वेबसाइट है जहाँ पे व्यूज़ जितने होते हैं यूट्यूब के आपके चैनल पे वीडियोस पे, उसके बेस पे ये लोग एस्टिमेटेड अर्निंग जनरेट करके देते हैं, ये फिक्स नहीं होती है। उसका भी एक रीज़न है कि यूट्यूब जो है उस पर अभी जो है व्यू पे कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें होती है वॉच टाइम पे। तो जितना आपके वीडियोज़ पर ज़्यादा वॉच टाइम रहेगा उतना एड ज़्यादा आएगी, और अलग अलग टाइप की एड्स होती है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप की एड्स है। इसमें से कौन सी एड आती है, कितनी बार आती है, उसके बेस पे जो है आपके
वीडियोस पे जो है अर्निंग होती है, ये फिक्स नहीं होता है। अर्निंग जो होती है एवरी मंथ एवरी टाइम जो है बदलती रहती है। पेमेंट जो है मतलब मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद अगर आपके $100 हो जाते हैं तो मंथली पेमेंट हो जाता है, अदरवाइज़ वो एक्सटेंड होता रहता है जब तक आपके $100 नहीं होते तब तक। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो है यूट्यूबर स्वाति जी है जो यूट्यूब से भी बेबी $200-300 कमा लेती होगी, उसके अलावा जो है वो पार्टनरशिप्स भी करती है, मतलब स्पॉन्सरशिप के वीडियोस भी करती है, मॉडलिंग का काम भी करती है, और बेबी उनकी फुल टाइम जॉब भी होगी तो उससे ही उनकी काफ़ी अर्निंग हो जाती होगी। मतलब 50-60 हज़ार तो मुझे लगता ही है कि अर्निंग करती होगी। तो इस तरीके से जो है आप भी थोड़ा बहुत इनसे सीख सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से करना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी उनको सिल्वर प्ले बटन भी नहीं मिला होगा क्योंकि उनके 100K जो है यहाँ पे नहीं हुए हैं। बाकी तो सभी डिटेल्स जो है मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो आप जो है इनके वीडियोस को ज़रूर देखें, इनको सीखें, इनके वीडियोस से आपको जो भी सीखना है ट्रैवलिंग के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है उसको भी आप देख सकते हैं। उनके अलावा जो है फीमेल रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके रिलेटेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और आप चाहें तो अपने खुद की भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं इनसे मोटिवेट होकर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एन्जॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।